हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने लैपटॉप में पासपोर्ट कैसे लगा सकते हैं। इसके लिए आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे ऊपर पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो चेंज अकाउंट सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो आपको साइन इन ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो जब आप साइन इन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो जैसे कि हम पासपोर्ट लगाना चाहते हैं तो आपको पासपोर्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद जब आप पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ऐड का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको ऐड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड ऐड करना है, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड, और आपको पासवर्ड हिंट में कोई नाम ऐड करना है। यानी आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो इस नाम के सहारे आप पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अपना पासवर्ड यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके फिनिश का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आप यहां से अपना पासपोर्ट चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरा पासपोर्ट मतलब ऐड हो गया है, तो मैं चेक करना चाहूँगा, ठीक है। जैसे कि हम ऑफ करते हैं, तो ऑन हो रहा है मेरा लैपटॉप। तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे अपना पासपोर्ट डालना होगा। तो यहाँ पे हम अपना पासपोर्ट डाल दिए हैं, तो यहाँ पे हम अपना पासपोर्ट ऐड कर दिए हैं। उसके बाद एक एंटर पे क्लिक करना है आपको। तो यहाँ देख सकते हैं कि मेरा लैपटॉप ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपना लैपटॉप में पासपोर्ट लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।